वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस, कैसे हैं आप सब टॉरस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे टॉरस, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग डेज टॉरस। ये आपकी बोनस रीडिंग है अगस्त की, और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम होगा अगस्त मिड से लेके सितंबर मिड तक। ओके, सो जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। ओवरऑल लाइफ मतलब कि जनरल प्रेडिक्शन, आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट से रिलेटेड प्रेडिक्शन आ सकती है। और उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपकी लाइफ के लिए टॉरस, और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग या रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। और टॉरस, सितंबर से जो आपकी रीडिंग्स आएंगी ना, उसमें ये दोनों पार्ट्स डिवाइडेड रहेंगे। मतलब एक वीडियो सेपरेट रहेगा ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन का, और लव लाइफ का सेपरेट रहेगा, जैसे अभी हम कंबाइन करते हैं ना। सो आई थॉट कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके कार्ड्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे से शफल कर चुकी हूँ, थोड़ा और शफल करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उतना ही खुद पे लें जितना आपके लिए है। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ वांड्स। ओके, आप थोड़ा सा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं किसी सिचुएशन को। मतलब कि आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं यहाँ पे टॉरस, और ये सिचुएशन अराइज हुई है किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण। मतलब किसी से कुछ ऐसी बात हुई है, किसी से कुछ झगड़ा हुआ है आपका, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और उसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो या फिर ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग टॉरस, ये जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं जिसमें आपका किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, सबसे पहले तो आप सबके लिए दो अलग अलग सिनारियोज़ दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पहला सिनारियो ये दिख रहा है कि आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और इसीलिए आप परेशान हैं। दूसरा कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप जो चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी विश है, जो आप पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आपका चांस है या नहीं है इस चीज़ में जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों मैसेजेस हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ कप्स है। तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन दिख रहा है कि आप थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं शायद कि क्या डिसीज़न लेना है, या फिर किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज दिख रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगेन थिंकिंग मोड में आप ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कब आती है टॉरस? एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी तब आती है जब हमने कहीं पे खुद को स्टक कर लिया होता है, या फिर कहीं पे खुद को कैद कर लिया होता है। सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ या फंस गई हूँ जहाँ से मैं निकल नहीं सकता या मैं निकल नहीं सकती, बट एक्चुअली ये सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन होता है। और इस कार्ड का मतलब ही यही होता है कि चाहे आप कितना भी फंसा हुआ फील कर रहे हो, पर आप एक्चुअली में फंसे हुए हो नहीं। बिकॉज देखिए, ये पर्सन के हाथों हाथ यहाँ पे बंधे हुए नहीं है, बट जब ये पर्सन मिरर में देख रहा है तो ऐसे लग रहा है कि इसके हाथ बंधे हुए हैं। मतलब खुद को देखने का परसेप्शन या लाइफ को देखने का परसेप्शन ऐसा दिख रहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं या फिर हम फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि थोड़ा सा ये देखिए कि जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उसका सॉल्यूशन भी आपके ही पास है पर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ में, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इस परेशानी को आपको लॉजिकल तरीके से हैंडल करना है और अपना दिमाग लगा के हैंडल करना है। मतलब कि आपको लग रहा है कि आप कहीं फंसे हुए हो, पर एक्चुअल में आप फंसे हुए नहीं हो। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यूनिवर्स से प्रे करोगे हेल्प के लिए, तो आप इस जगह से निकल सकते हैं टॉरस। ठीक है,
उस निकल स्पीकिंग ऑफ निकल सकते हैं, यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ट्स आया है जो कि ऑलरेडी हमें बता रहा है कि ये जो भी परेशानी से आप डील कर रहे हैं टॉरस, इससे आप निकल सकते हैं और निकल रहे हैं, ऑलरेडी निकल रहे हैं, और ओ माय गॉड सॉरी, ऑलरेडी निकल रहे हैं आप. ओके, बिकॉज सिक्स ऑफ सॉर्ट्स क्या बता रहे हैं कि जो भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये चार कार्ड्स हमें आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बता रहे हैं, बट सिक्स ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हो, परेशानी से निकल रहे हो. तो चलिए, ऑलरेडी आपकी एनर्जी भी ये बता रही है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं. बट अगर ओ टेन ऑफ कप्स है, ओ माय गॉड, आप यहाँ से निकल के एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं. वाओ, ये तो जो टर्न लिया है इस रीडिंग ने, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. सो यहाँ आप परेशान हैं, यहाँ परेशान हैं, यहाँ थिंकिंग मोड में हैं, यहाँ फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बट आप फिर इस परेशानी से निकल रहे हो और निकल के आप टेन ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो. टेन ऑफ कप्स मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनली हम अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में हमें अच्छा फील हो रहा है, हमारे पास आसपास हमारे लोग हैं जिनके साथ हम रहना पसंद करते हैं, जिनकी कंपनी हम इंजॉय करते हैं, कोई कनेक्शन भी ये हो सकता है जिसके टूवर्ड्स आप जा रहे हो अपनी परेशानियों से निकल के. तो वाओ, दिस इज़ सो गुड, बहुत खुशी हुई देख के कि आपकी एनर्जीज किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं टॉरस. एंड देन वी हैव फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स. वाओ, एक और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. आप फाइव ऑफ कप्स से निकल के थ्री ऑफ कप्स में जा रहे हो. अगेन, जो इमोशनल, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम है, मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कप्स हमें दिख रहे हैं. मोस्टली लोगों के लिए ये परेशानी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जितना आप इमोशनली ख़राब फील कर रहे थे उतना ही ज़्यादा आप थ्री ऑफ कप्स से बेटर फील करते हुए दिख रहे हो. अगेन, आपके आसपास कुछ सपोर्टिव लोग दिख रहे हैं जो आपको इनकरेज कर रहे हैं और आपको अच्छा फील करा रहे हैं टॉरस कमिंग डेज में. देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द सन. ओ माय गॉड, यहाँ पे सन है. सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक. अगेन, सेवन ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि अगर आप ओके, लेट मी टेल यू, मैं आपको थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करती हूँ. अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप्स हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, अगेन ये दोनों कार्ड आके बता रहे हैं कि जिस चीज़ को भी आप नर्चर करने की कोशिश कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिस चीज़ में आप सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे आप 100% सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं. ओके टॉरस, तो आपकी जो परेशानी है ये कोई और सिचुएशन भी हो सकती है इससे अलग, पर दिख रहा है कि जिस चीज़ को आप नर्चर कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस पर्सन को एक सीड मिला था, वो इस पर्सन ने सीड को प्लांट किया, उस प्लांट में पानी डाला और सारी मेहनत की, अब उस प्लांट में से एक पौधा निकल रहा है और धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, और ये पर्सन उस पौधे को नर्चर कर रहा है, और यही प्लांट ये सन की एनर्जी लेके आ रहा है. मतलब कि जिस चीज़ पे भी आप मेहनत कर रहे हो या बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ सक्सेसफुली ब्लूम कर रही है, सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है. वाओ, सच नाइस मैसेज. ओके, अब दूसरी एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं आपकी लाइफ का टॉरस. मैं बहुत ज़्यादा शफल नहीं कर रही हूँ, बिकॉज शफल मैंने करके रखा हुआ है, और कई लोग बोलते हैं कि मैम आप शफल पहले से करके रखें. मैं हमेशा पहले से करके रखती हूँ, बट ओके, वी हैव टू ऑफ स्प्रिंग एंड यूनिटी. ओके, दोनों कार्ड्स के मैसेजेस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं टॉरस, बिकॉज टू ऑफ स्प्रिंग स्पेशली इस डेक में बताता है कि आप किसी के साथ मिल के अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी फ्रेंड के साथ मिलके ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हैं, आप किसी फ्रेंड के साथ, या फ्रेंड ज़रूरी नहीं है, किसी पर्सन के साथ कोलैबोरेट करके कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में अपने जॉब में आप अपने कलीग्स के साथ मिलके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई आपको आपके प्रोजेक्ट्स के लिए सपोर्ट कर रहा है,
या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। तो टू ऑफ स्प्रिंग किसी एक पर्सन का सपोर्ट मिलना आपको बता रहा है, और जो यूनिटी है यूनिटी भी यही बता रही है कि आप लोगों के साथ मिलके यूनिटी में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, अ स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी। मतलब कि आपके आसपास ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे हैं और जो आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं और लाइफ में आपको हेल्प कर रहे हैं कमिंग डेज में। टॉरस, ओह माई गॉड टॉरस, हमारे पास सन दो दो बार आया है, अगेन एक सन का कार्ड आया है। वाओ, और फाइव ऑफ विंटर, सी अगेन ये दोनों जो कार्ड्स कंबाइन आए हैं, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं टॉरस कि अगर आप किसी परेशानी में थे तो उस परेशानी से आप निकलेंगे। टॉरस, तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, अगर कोई परेशानी आप फेस कर रहे हैं आप इससे निकलेंगे। दो दो बार हमें ये मैसेज मिला है। उसके बाद किंग ऑफ ऑटम्स है, ये आपकी एनर्जी है टॉरस, आप कौन है, आप किंग ऑफ ऑटम्स है, किंग ऑफ पेंटिकल हैं। और सिक्स ऑफ विंटर्स है, ओके सिक्स ऑफ विंटर्स यहाँ पे भी आया था, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी आया था, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी आया है। तो आप अपने पावर में स्टैंड करके, आप अपनी एनर्जी में स्टैंड करके किसी मुश्किल परिस्थिति से वापस से निकलते हुए दिख रहे हो। बार बार आपके मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं टॉरस, और क्योंकि अभी वाला जो सिक्स ऑफ विंटर्स है वो किंग ऑफ ऑटम्स के पास में आया है, तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो किसी परेशानी से आप निकल रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ आपका भी है। आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, शायद आपकी प्रेयर्स हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपके एक्शंस हैं, आपके एफर्ट्स हैं, तो आपका भी रोल है आपकी एनर्जीज को चेंज करने में। तो आप भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप डिफ़िकल्ट एनर्जीज से निकलते हुए दिख रहे हैं कमिंग डेज में। वी हैव बैलेंस, ये बैलेंस का कार्ड है जो कि बता रहा है कि लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब कि आप न्यूट्रल फील कर रहे हैं, मतलब कि अगर पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील कर रहे थे तो आप एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे और बैलेंस्ड इमोशंस रहेंगे, आप बैलेंस्ड फील करेंगे। लाइफ में एक बैलेंस बनेगा, कोई भी इमोशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा, मतलब लाइफ वापस से नॉर्मल या कैजुअल होते हुए दिख रही है। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मिराकल्स, वाओ, वोएज, प्लेजर, लीडरशिप, ओके, स्टैंड स्टिल, ओके। सबसे पहले तो दो जो आपके बहुत ही स्पिरिचुअल से कार्ड आए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मिराकल्स है और दूसरा स्टैंड स्टिल है। तो मिराकल्स बता रहा है कि यस, आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और होते हुए दिख भी रही हैं, बिकॉज़ आप किसी परेशानी से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ चीज़ है जो अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जो आप जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, कुछ ऐसी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है या अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, कुछ ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। बट जो साथ में स्टैंड स्टिल का कार्ड है वो बता रहा है कि आपको थोड़ा सा इसके रिसीविंग मोड में आना है टॉरस। रिसीविंग मोड में आना क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो आपको रिसीविंग एंड पे उसके आना है। मतलब कि अपने स्पिरिचुअल साइड को थोड़ा सा एक्टिवेट करिए, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए, अपनी प्रेयर्स करिए, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं तो आपके रिलीजन में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, मंदिर जाइए, आई डोंट नो, मेडिटेशन करिए, मस्जिद जाइए, अपनी प्रेयर्स बोलिए, जो भी आपके रिलीजन में होता है, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं यूनिवर्स के करीब आने के लिए,
बिकॉज हम लोग इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं कि हम सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं, बट जो भी आपका मेथड है उसे फॉलो करें जिससे कि आप रिसीविंग एंड पे आ सकें। बिकॉज अभी पिछले कुछ टाइम में आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं या फिर स्टकनेस फेस की है लाइफ में कि चाहते या ना चाहते हुए भी टॉरस कई बार हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, राइट? क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली हमें परेशानियाँ होती हैं तो वो माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव हो ही जाता है। बट अगले कुछ दिनों में कोशिश करिएगा कि आप फेथ रखें, भरोसा रखें उस एनर्जी पे जिसमें आप बिलीव रखते हैं, सो दैट आप मिरेकल रिसीव कर पाए। हम कभी भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट से कुछ रिसीव पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं। जितना ज़्यादा फेथ रखेंगे, भरोसा रखेंगे, जितना आप सरेंडर करेंगे, सरेंडर मतलब क्या होता है जिन लोग को नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ, सरेंडर मतलब होता है कि उस सुपर पावर पे अपनी सारी परेशानियों को छोड़ देना। मतलब कि कॉन्स्टेंटली ये नहीं सोचना कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा। सरेंडर मतलब कि आपने उस एनर्जी को बोल दिया, जैसे अगर मैं उस एनर्जी को यूनिवर्स बोलती हूँ तो मैंने बोल दिया कि यूनिवर्स मैं आप पे सब कुछ छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे इस प्रॉब्लम से क्या कैसे निकलना है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है, बस मुझे ये चीज़ चाहिए लाइफ में और ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगी, चाहे वो मेरा पीस हो, चाहे वो मेरी हैप्पीनेस हो, चाहे वो मेरी जॉब हो। तो अगर मुझे मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैंने वो सरेंडर कर दिया। तो एक सरेंडर मोड में आपको आना है इन इस मिराकल को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे लीडरशिप है, लीडरशिप ये बता रहा है कि जैसे सरेंडर क्या होता है, सरेंडर होता है कि आपने यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया, डिवाइन के हाथ में छोड़ दिया। लीडरशिप यहाँ पे एक बहुत ही अलग एनर्जी है उससे। लीडरशिप एक्चुअली ये बताती है कि अपनी लाइफ को आपको अपने हाथों में लेना है, और लीडरशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा करियर के लिए या प्रोफेशन के लिए नहीं आई है, जितनी ज़्यादा आपके सेल्फ़ एम्पावरमेंट के लिए आई है। मतलब यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि अपनी लाइफ को अपने हाथ में लें, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के लिए डिपेंडेंट ना रहें किसी पे, स्पेशली अपने मूड को लेके, कि अगर किसी ने आपको कॉल नहीं किया है या फिर कोई आपसे एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसके कारण आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया कि आप लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना ज़रूरी है, राइट? या फिर लाइफ में एक फेलियर आ गया तो हमने हार मान ली और हमने फिर से ट्राई नहीं किया, या फिर हमने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया कि किस्मत में होगा तो मिलेगा। तो डेस्टिनी पे नहीं छोड़ना है, अपने हाथों में रखना है अपनी किस्मत को, लीडरशिप का रोल प्ले करना है। मतलब कि जो एफर्ट आपको लगाने हैं आप लगाइए, बाकी यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, बट बहुत ज़्यादा लोगों पे या डेस्टिनी पे डिपेंड मत रहिए, ओके? लीडरशिप ये भी बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि कमिंग डेज में कुछ ऐसा रोल प्ले करें जहाँ पे आप कुछ लोगों को लीड करें, या फिर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, या फिर लोगों को एम्पावर करें। टॉरस, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे वोएज की एनर्जी है। वोएज की एनर्जी आपके लिए यूनिवर्स की साइड से मैसेज है कि आप किसी नई जर्नी पे जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग एक्चुअल में हो सकता है कि ट्रैवल करें, अपना शहर चेंज करें, अपना घर चेंज करें, या फिर कोई ना कोई बड़ा एक चेंज आते हुए दिख रहा है जो आपको एक नए सफ़र पर ले जा रहा है, और ये सफ़र आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। हमें दो दो तीन तीन बार सन से कन्फर्मेशन मिल चुका है इस चीज़ का। तो वोएज है एक नई जर्नी पे जाना, और यहाँ पे फुल मून भी है, तो कमिंग डेज का जो फुल मून है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो वो डेट आप देख लीजिए, मुझे एक्चुअली याद नहीं है फुल मून नेक्स्ट कब है, बिकॉज अभी 18th को था आई गेस। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो प्लेजर का कार्ड है, और प्लेजर का कार्ड आपके लिए एक मैसेज दे रहा है टॉरस, के लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, अपने परेशानियों में इतना मत खो जाइए कि लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को आप इन्जॉय ना कर पाए, राइट? तो थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकालिए, थोड़ा सा फ़न करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाइए, या फिर किसी को कॉल करिए, या फिर बस थोड़ा सा लाइट हार्टेड, लेस सीरियस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स आपको कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, पर उन अप्स एंड डाउन्स में भी हमें लाइफ को इंजॉय करना आना चाहिए, ओके? सो किस चीज़ में आपको प्लेजर मिलता है, जॉय मिलता है, वो चीज़ें करिए। अभी चलिए टॉरस, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या है। होपिंग फॉर द बेस्ट
ओके, वाओ, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ डिस्कस करेंगे। ओके टॉरस, तो व्हाट इज हैपनिंग? सबसे पहले पास्ट की एनर्जी देखते हैं। पास्ट की एनर्जी में डेथ है, और डेथ को क्लैरिफाई किया है द मून ने। डेथ बता रहा है कि पास्ट में एक साइकिल लव लाइफ की ख़त्म हुई है आपके, या तो किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, या फिर एक फेज़ उस पर्सन के साथ में आपका ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में। ओके, और द मून की एनर्जी बता रही है कि इस एंडिंग के बाद में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपकी लव लाइफ में दिख रही है। मतलब कि पास्ट से ही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, कुछ भी क्लियर नहीं है, और थोड़ा सा फियर है आपके अंदर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये पास्ट में दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप में अभी फियर हो, बट पास्ट में आपका थोड़ा सा फियर यहाँ पे टॉरस दिख रहा है। तो कुछ एंड हुआ है और फियर है कुछ, और एंडिंग का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, उस वजह से चीज़ें एंड हुई हों, या फिर आपको लग रहा हो या आपके पर्सन को लग रहा हो कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, इसीलिए चीज़ें एंड हुई हों। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि एंडिंग परमानेंट है, बट यस, कुछ पास्ट में एंड हुआ है। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं, और दोनों एनर्जीज आपके कनेक्शन की एज वेल एज आपके पर्सन की दिख रही हैं। जो पहली एनर्जी है वो सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये पर्सन दूर भाग रहा है इस कनेक्शन से और आपसे। ये पास्ट का पर्सन है जो प्रेजेंट में भी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे इस पर्सन का रेजिस्टेंस दिख रहा है इस कनेक्शन को लेके, एज वेल एज कन्फ्यूजन दिख रहा है। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको रेजिस्ट कर रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, या फिर इस कनेक्शन को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़ है। ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है इसे कुछ नहीं पता है, ये पर्सन को क्या करना चाहिए ये भी इन्हें कुछ नहीं पता है, और ये बस हवा में तीर मार रहे हैं और बिना देखे निशाना लगा रहे हैं। आंखें इनकी बंद हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पता नहीं है, बस आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं। ये पर्सन जहाँ पे भी स्टैंड कर रहा है अपनी लाइफ में, ये आपको भी कन्फ्यूज़ कर रहा है और ख़ुद भी कन्फ्यूज़ हो रहा है, और आपसे ज़्यादा ये पर्सन खुद कन्फ्यूज़ है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुका है और इसे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, कहीं और रहना है, दिस एंड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। मुझे बस इतना पता है कि ये पर्सन खुद भी श्योर नहीं है बिल्कुल भी कि लाइफ में क्या करना चाहता है, और इसीलिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी इतनी ज़्यादा पास्ट में प्रोमिनेंट दिख रही है। उसका रीज़न इस पर्सन का कन्फ्यूजन हो सकता है। ये पर्सन अभी द एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। टॉरस, द एम्परर की एनर्जी बता रही है कि पर्सन थोड़े से इस एनर्जी में है जहाँ पे ये खुद को दूसरों से बेहतर महसूस कर रहे हैं और खुद कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है अभी। और जब द एम्परर की एनर्जी आती है तो ये भी बताती है कि पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, इनकी डिमांड ज़्यादा है लाइफ से, इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनकी उस कैटेगरी में फिट बैठ सके, जो डिल्यूजनल कैटेगरी इन्होंने अपने लाइफ के लिए बना के रखी है कि मेरा पार्टनर ऐसा दिखना चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड से सोच रहा है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं और इन्हें एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, और पैसा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, पावर इनके लिए इम्पॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इवन दो ये आपके पर्सन की अभी की एनर्जी दिख रही है, मैं और कार्ड्स निकालूंगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। आपकी लाइफ में टेन ऑफ पेंटिकल आया है। पहली चीज़, टेन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हैं, आप दोनों की हिस्ट्री है, और ये पर्सन एक टाइम पे आपकी फैमिली की तरह हुआ करता था, और आपकी लाइफस्टाइल का या फिर आपके डेली रूटीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा या बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस पर्सन से मैरिड हो, और आप दोनों में जो मेजर इशू है वो हो सकता है इस वजह से आया हो क्योंकि एक पर्सन को लॉन्ग टर्म परमानेंट कनेक्शन चाहिए हो, कमिटमेंट चाहिए हो, शादी करना हो, बट दूसरा पर्सन कमिटमेंट में बहुत ज़्यादा विश्वास ना रखता हो या फिर कमिटमेंट ना चाहता हो इस कनेक्शन से. तीसरी एनर्जी जो आपके स्ट्रेंथ में आई है वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है. आप स्ट्रेंथ में क्वीन ऑफ कप्स के आने का मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको इशारा करना चाहते हैं टॉरस के यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखें और जो भी डिसीजन लेने हैं आउट ऑफ लव लें अपनी लव लाइफ में. ये बहुत ही आयरोनिक सी एनर्जी है क्योंकि एक साइड आपके जो पार्टनर की एनर्जी या पर्सन की एनर्जी दिख रही है वो बहुत ज़्यादा ईगो बेस्ड दिख रही है या फिर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली दिख रही है, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको आउट ऑफ लव डिसीजंस लेने हैं. यस, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका हार्ट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक दिख रहा है टॉरस. इट्स लाइक कि आपकी लव लाइफ में आपको किसी ने बिट्रे किया या फिर आपको किसी से ट्रस्ट इश्यूज हुए और उस ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, और इसीलिए आपको हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए भी बोला जा रहा है बिकॉज एक क्लोज्ड हार्ट चक्रा से आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे. आपको अगर पता करना है कि आपका हार्ट चक्रा क्लोज है या ओपन है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप बहुत जल्दी ये ट्रिगर हो जाते हैं, आपको पूरी दुनिया ख़राब लगती है या फिर आपका ये माइंड सेट है कि हर कोई आके मेरा यूज़ करके चला जाता है या फिर हर कोई मेरे साथ गलत करता है, ये एक साइन है क्लोज्ड हार्ट चक्रा का. तो थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए. हर कोई इंसान बुरा नहीं होता है, और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ही फेमिनिन और पॉजिटिव एनर्जी होती है. नेगेटिविटी से आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो पहले अपना माइंडसेट बदलिए. हर इंसान बुरा नहीं होता है. ओके, अब व्हाट इज़ हैपनिंग. आपकी एनर्जी में द वर्ल्ड दिख रहा है और दूसरा नाइन ऑफ पेंटिकल दिख रहा है. नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है. कुछ लोगों के लिए नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है, साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है कि आपको कोई हार्ट ब्रेक मिला या फिर कुछ एंडिंग हुई है आपकी लव लाइफ में, उसके बाद आपने डिसाइड किया है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे या फिर आप खुद पे फोकस करेंगे, और आप खुद पे फोकस कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल हो रहे हैं. तो अगर आपका अभी ध्यान बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ पे नहीं है या फिर रिसेंटली आपने डिसाइड किया है कि मुझे पहले अपनी लाइफ बनानी है या फिर अपना करियर बनाना है, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है. अगर आप अपनी लव लाइफ को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने करियर पे फोकस करें. आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, तो आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हैं और नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज यहाँ पे आपको रियलाइज़ आपकी वैल्यू या आपका सेल्फ वर्थ रियलाइज़ हो रहा है. इस एनर्जी से आप अपने करियर में बहुत बेटर करेंगे और ख़ुद को इम्प्रूव करेंगे और ख़ुद को एम्पावर करेंगे. आपकी दूसरी जो एनर्जी है वो द वर्ल्ड की एनर्जी दिख रही है टॉरस, और द वर्ल्ड कार्ड ये बता रहा है कि आप चाहते हैं एक साइकिल से निकलना, आप एक पेन से निकलना चाहते हैं, आप पास्ट से निकलना चाहते हैं या फिर सिचुएशन से निकलना चाहते हैं. आपका बहुत ही डेस्परेट इंटेंशन दिख रहा है कि आप किसी पेन या साइकिल से छुटकारा ना पाना चाहते हैं या फ्रीडम पाना चाहते हैं, और ये छुटकारा आप खुद ही खुद से पा सकते हैं. ये फ्रीडम आपको खुद को देनी है, मतलब ये एफर्ट्स आपके खुद के हैं जो आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो, या फिर मूव ऑन की एनर्जी नहीं भी है तो आप इस पर्सन पर कम फोकस कर रहे हो या फिर अपनी लव लाइफ पर कम फोकस कर रहे हो. अगेन एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी एनर्जी और एम्पावरमेंट की एनर्जी है यहाँ पर. अगर आप दोनों की लव लाइफ का हम फ्यूचर देखें तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं. एक आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड और दूसरा आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड. क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे फ्यूचर में आके ये बता रही है कि आप बहुत ही बेटर पोजीशन पे अपनी लव लाइफ में स्टैंड कर रहे हो. लव लाइफ में आगे एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और आप और आपके पार्टनर सेम पेज पे दिख रहे हैं, मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है. तो जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में जाना चाहते हैं फ्यूचर में, उस कनेक्शन में एक बहुत ही प्यारा सा बैलेंस बन रहा है, और जितना आप उस पर्सन को वैल्यू कर रहे हो उतना ही वो आपको भी वैल्यू कर रहा है. सेम एफर्ट दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल है और आप बेटर पोजीशन पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हो. स्पेशली अगर आपकी लव लाइफ की साइकिल ये रही है कि आप हमेशा अपने पार्टनर से डोमिनेट होते हो या फिर हमेशा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो ये स्टोरी आपकी फ्यूचर में चेंज होगी जहाँ पे आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन में रहेगा या रिलेशनशिप में रहेगा. अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसे पता है कि पास्ट आपका ख़त्म हो चुका है और पास्ट के पर्सन से आपका कोई भी चांस नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको नए पर्सन के साथ
साथ मिलेगी। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अभी भी अपने पास्ट में जाना चाहते हैं या फिर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने एक्स को, तो यहाँ पे मैजिशियन है आउटकम में, तो यहाँ पे अगेन चांसेस हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए, बिकॉज यहाँ पे सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा होते हुए दिख रहा है, जैसा चाहते हैं मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास में कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी किसी और कनेक्शन में जा चुका है, रिलेशनशिप में जा चुका है, और या फिर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग या टॉक्सिक इंसान था, तो आई डोंट थिंक सो कि उसे वापस से लाइफ में लाना एक अच्छी बात होगी। बट यहाँ पे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप जैसे भी अपना परफेक्ट पार्टनर इमेजिन कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी है कि हमने किसी चीज़ में बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया बट फाइनली हमारी चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। स्पेशली जो लोग प्रेयर्स कर रहे हैं और विश मांग रहे हैं इस पर्सन के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। आई डोंट नो मैं इतना कंटिन्यूसली क्यों बोल रही थी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप स्टोरी सुनो, ये भी स्टोरी सबके लिए नहीं होगी बट ये जिसके लिए है उसको समझ में आ जाएगी। ओके, कहाँ से शुरू करूँ, चलिए यहाँ से शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया, उस पर्सन के साथ में आपका बॉन्ड अच्छा बना, बॉन्ड बनने के बाद में आपने फ्रेंडशिप बनी, फ्रेंडशिप हुई, उसके बाद में आपने उस कनेक्शन पे और ज़्यादा एफर्ट लगाने शुरू किया, बट आपको उस कनेक्शन में हार्ट ब्रेक मिला, उसके बाद आपने हील किया, उसके बाद आपको कोई डिसीज़न लेने का टाइम आया, जब आपको एक डिसीज़न लेना है कि आप मूव ऑन करेंगे या नहीं करेंगे, आप कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे, यहाँ पे आप एक नया रास्ता चूज़ करते हैं, किसी किंग ऑफ पेंटिकल से मिलते हैं और इस किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में आप नई शुरुआत करते हैं, और नई शुरुआत करने के बाद में सन की एनर्जी आती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खुश होने के बाद में आप उस कनेक्शन पे एफर्ट लगाने लगते हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, बट यहाँ पे अगेन कोई और पर्सन आ जाता है प्रोबेबली पास्ट का। सो रेट्रोग्रेड का सीज़न है और यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके पास्ट के पर्सन वापस से अपीयर हो जाएं आपकी लाइफ में, बट अभी मैं जानना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली आपका पास्ट का पर्सन दिख रहा है, ये पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहा है। अगेन अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि जो भी आपके एक्स हैं या पास्ट के पर्सन है वो आपके बारे में फॉर श्योर सोच रहे होंगे, टाइम ही ऐसा चल रहा है, आप भी सोच रहे होंगे, तो लेट्स सी कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी। ओके, यूनिवर्स शोस क्लियरली। ओह, ये पर्सन आपके लिए द फूल फील कर रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। नाइट ऑफ सॉर्ड्स फील कर रहे हैं। ओके, एम्प्रेस फील कर रहे हैं। ये खुद एम्प्रेस की एनर्जी में है और आपको एम्प्रेस फील कर रहे हैं। ओके, सो ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव। बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन है। इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि आपका कनेक्शन अटक चुका है कहीं पे। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन चाहते हैं एक नई साइकिल शुरू करना आपके साथ में। यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है, एंडिंग आपके पास्ट में भी दिख रही है, एंडिंग आपकी एनर्जी में भी दिख रही है, बट अभी यहाँ पे पर्सन की डिज़ायर है आपके साथ में एक नई साइकिल शुरू करने की। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बता रही है कि इवन दो ये पर्सन आपके साथ में एक नया कनेक्शन शुरू करने का सोच रहा है, बट एट सेम टाइम ये पर्सन फ्यूरियस भी है। इस पर्सन की दो टाइप की एनर्जी दिख रही है, एक एनर्जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की है और दूसरी एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की है। एक एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन को आपसे किसी बात की नाराजगी है, किसी बात को लेके गुस्सा है आपसे, दूसरी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशंस की है। और कई बार नाइट ऑफ सॉर्ड्स जब आता है तो बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जीज भी बताता है टॉरस, जहाँ पर हमको समझ में आता है कि पर्सन क्विक या फास्ट एक्शन लेना चाहता है, उसके बाद में आपको ये लव ऑफर देना चाहता है। अगर ये खुद एम्परर
की एनर्जी में स्टैंड कर रहे थे और आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, मतलब ये आपको पावर कपल की तरह देखते हैं आपके साथ में, मतलब आपको ही परफेक्ट पार्टनर समझ रहे हैं, जिसकी मैं बात करी कि पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो ये आपको ही परफेक्ट एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हैं, तो इनके और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं अभी एक दूसरे के साथ में। एस ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि इन्हें रिसेंटली कुछ क्लैरिटी मिली है और क्लैरिटी मिलने के बाद में इन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्रेफर करेंगे आपके साइड आना। सी, ये इनके इमोशंस हैं, ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में रहना चाहते हो और आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ में आपका चांस है, तो यस, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट अगेन, अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया था। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में इसीलिए आया है कि आप अगर अपने इस पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं आपके बीच में, तो आपको उन ग्रजेस को क्लियर करना पड़ेगा, दिल से इस पर्सन को माफ़ करना पड़ेगा, तभी ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट हो पाएगा। तो अगेन, आप चाहे इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर किसी और पर्सन को, आपको अपने हार्ट चक्रा को क्लियर रखना है। ओके, अगर इस रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो और कोई भी इंसाइट्स मिले हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने इतना फास्ट इसीलिए बोला है बिकॉज़ मेरे दिमाग में पूरे टाइम चलता रहता है कि रीडिंग लॉन्ग ना हो जाए, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मंथ से मैं दोनों रीडिंग्स को डिवाइड कर दूँगी और मैं आराम से जनरल प्रेडिक्शन करूँगी, मैं आराम से लव रीडिंग करूँगी, जहाँ पर मुझे रश ना करना पड़े। ओके यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं हमारे पास में टॉरस की लव लाइफ के लिए। यस, ओके, ट्रस्ट, वेट, नो नीड टू वरी, यू आर रेडी। ओके, आपके गाइडेंस के कार्ड भी सारे पॉजिटिव आए हैं। ओके, सबसे पहले यस है, और यस का मैसेज बोल रहा है कि अगर इस रीडिंग को देखते दौरान, स्पेशली लव रीडिंग, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था, तो उसका आंसर यस है। हो सकता है आपने पूछा हो क्या ये सच में मेरी रीडिंग है। यस, आपकी रीडिंग है। यहाँ पे ट्रस्ट आया है, तो यूनिवर्स आपसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ ट्रस्ट रखें कि चीज़ें बेटर होंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करें, सही समय आने का इंतज़ार करें, या फिर वेट, मुझे लग रहा है कि इसलिए आया है कि इस कनेक्शन को नेचुरली अनफोल्ड होने दें। ऐसा नहीं कि आपने कोई पॉजिटिव रीडिंग देखी और आपने फटाक से अपने एक्स को या अपने पर्सन को मैसेज कर दिया और आपने बात करनी शुरू कर दी। इस कनेक्शन को नेचुरली ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने दीजिए टॉरस। ओके, नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, यू आर रेडी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि बता रहा था आप रेडी हैं मैनिफेस्टेशन के लिए अपने, पर इसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन्स बहुत स्ट्रांग है, मकर राशि, स्कॉर्पियोज स्ट्रांग है, वृषभ राशि, एरीज स्ट्रांग है, मेष राशि, उसके बाद में वी हैव वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। आपके पर्सन भी टॉरस हो सकते हैं या फिर वर्गो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, मकर राशि, पाइसिस हो सकते हैं, मीन राशि, हमारे पास फायर भी स्ट्रांग है यहाँ पे, एरीज, लियो और सैजिटेरियस दिख रहे हैं, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, दिस इज इट आई गेस, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो भी हैं, मतलब कि कर्क राशि, मीन राशि, स्कॉर्पियोज, वृषभ राशि। आज मैंने इतना ख़राब एक नेगेटिव कमेंट पढ़ा है और उसके बाद में इतना डिसहार्टन फील हो रहा है। ओ माय गॉड, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इतनी सेंसिटिव क्यों हूँ। हाँ, ओके, चलिए, वी हैव द लेटर एस एंड डी एंड एन एंड के एंड टी एल आई ए ओ I E A N L,
इसमें आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, वो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा कि रीडिंग आपकी है टॉरस. ओके, तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.